ठोकर मुकोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पद नख ज्योत से आलोकिक संसार परम पुरुष पूरण धनी आनंद घन सुखरूप सर्व आरंभ में पूजिए पावन चरण अनुरूप सर्व आरंभ में पूजिए पावन चरण अनुरूप। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जय कारा बोल मेरे। सौभाग्यशाली गुरुमुखो आज जब से श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है खुशियों की बहार आ गई है। हर प्रेमी गदगद हो रहा है आज के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। कहा भी है कि श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। चौ और छाई है खुशियां चौदिस मंगलाचार इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार बोलो जयकार बोल मेरे। सजनों जिस तरह मालिक कार में बैठा हो तो ड्राइवर में चार खूबियां होना बहुत जरूरी है। एक ड्राइवर अनाड़ी न हो मालिक का हितैषी हो मंजिल का पता हो शॉर्ट रास्ता कौन सा है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी वाहन का ड्राइवर मन है आत्मा इसकी मालिक है। मन में भी चार खूबियां का होना बहुत जरूरी है। एक तो आत्मा का हितैषी हो दूसरा मंजिल का पता हो तीसरा शॉर्ट रास्ता कौन सा है। जन्मों जन्मों से बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए शॉर्ट रास्ता ही वक्त के पूर्ण सतगुरु का है। और आत्मा का हितैषी वो है जो आज्ञा मौज में चलता है। नहीं तो ये मन तो बड़ा चंचल है। जिस तरह मस्त हाथी को कुशल महावत अंकुश मार मार के वश में कर लेता है गुरुमुख जन भी सतगुरु द्वारा बख्शे हुए नाम के अंकुश से मन को वश में रखते हैं। मन फिर हमेशा आत्मा के हित वाले कार्य करता है। एक कविता ये है
संतों के परमार्थिक वचनों में मन के ऊपर आप बड़े ध्यान से सुने कि चंचल मन स्थिर नहीं रहवे, लाख कोई ये समझावे, गुरु शब्द का चाबुक लागे तब ये वश में आवे। बड़े बड़े शूर और योद्धा इससे वे घबरावे, दुनिया पर जो विजय है पाते इससे भय वे खावे। रावण जैसे शूरमा देखे जिससे काल बली था डरता, मन के मारे वह भी मर गया, मन पर वश नहीं चलता। कौन है ऐसा दुनिया में जो मन को मार भगावे, जन्मों जन्मों की दुखिया रूह का इससे पीछा छुड़ावे। पार ब्रह्म पूर्ण सतगुरु धरा धाम पर आते, देकर अपने नाम का अंकुश मन पर वार लगाते। जो कोई इनकी शरण में आते युक्ति ये बतलाते, सत्संग सिमरण ध्यान व सेवा ये नियम है सिखलाते। इन पर जो भी अमल है करता उसका मन वश आवे, रूह को मिले सच्ची शांति परमानंद को पावे। ऐसा जन्म अमोलक मानुष तन बार बार नहीं पावे, सतगुर नाम को जपले प्राणी बहुरी जन्म नहीं आवे। सतगुर की जब रहमत होवे तब ये अवसर मिलता, जन्म जन्म का भटका प्राणी प्रीतम संग है मिलता। ऐसे सतगुरु देव पे मैं बार बार बलि जाऊं, जिनकी कृपा दृष्टि से भव सागर तर जाऊं। महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए, भव से पार जाने के लिए बड़े सरल नियम बनाए हैं। पहले युगों में आयु ज्यादा होती थी, लोग जंगलों में जाके तपस्याएं करते थे। अब घोर कलयुग में छोटी आयु लेके आया है इंसान, तो तपस्या का समय तो किसी के पास नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे नियम बना दिए हैं, हर छोटा बड़ा घर बार स्त्री पुरुष कहीं भी हो, उन पांचों नियमों को श्रद्धा से नित नेम से निभा सकता। और 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए आ गया है, लगातार कोई नहीं बैठ सकता, 2 बार में बैठे, 4 बार में बैठे, है जरूरी हर प्रेमी के लिए। ये नियमों की जो पालना करेगा और 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा तो सहज ही श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, लोक भी संवरेगा, परलोक भी वो भक्ति के धन से भरपूर होगा। एक बार अपने प्राण धन श्री श्री 108 श्री परमानंद दयाल सतगुरु दाता दयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज जी विदेश में किसी प्रेमी की कार से जा रहे थे। उस समय अभी इंडिया में माहौल वगैरह नहीं बने थे, विदेश में बन गए थे। तो एक बहुत बड़े माहौल के बाहर लिखा था A to Z। तो महाराज जी ने पूछा क्या लिखा, कि लिखा A to Z, यहां शरीर की हर वस्तु मिल जाती है। तो श्री गुरु माई ने फरमाया रोको, भक्ति मिलती है यहां। प्रेमी ने विनती की, भक्ति तो श्री गुरु माई के चरणों में मिलती है, और यह है भी हकीकत। जो आज्ञा मोज में चलता है उसकी झोली सहज ही भक्ति से भर जाती है। ये भक्ति के लिए ही नियम साधन बनाए गए हैं। जो गुरुमुख इन नियमों को निभाता है उसको तो दोनों लोकों में श्री गुरु माई अपने चरणों के साथ रखते हैं। एक प्रेमी ने हजूर महाराज जी के चरणों में विनती की, महाराज जी बहुत भटके हैं, अब आपकी शरण में आए हैं, आपने हाथ पकड़ा है, छोड़ना नहीं।
तो श्री गुरु माई ने फरमाया तुम मत छुड़ाना, हम तो इस लोक में भी नहीं छोड़ेंगे परलोक में भी नहीं छोड़ेंगे तुझे। हमारी लोक परलोक की महाराज जी गारंटी उठाते हैं, यदि हम आ गया मौज में चलकर नियम साधन अपनाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करें तो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, भक्ति के धन से भी भरपूर होंगे, ये मानो जन्म कृत कृत हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज एक आदरणीय महात्मा जी, महात्मा ध्यान दर्शन जी, आखिरी दम तक दरबार की सेवा करते करते श्री गुरु माई के चरणों में समा गए हैं। हम सब गुरुमुखों की भी यही इच्छा है, गुरु महाराज जी की कृपा से आखिरी दम तक सेवा से जुड़े रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।